केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, साल 2023 में बढ़ेगा महंगाई भत्ता। जाने कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी। साल 2022 खत्म होने वाला है और नए साल के आने से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और गुड न्यूज आ गई है। महंगाई भत्ते में एक बार फिर जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। जी हाँ, श्रम मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के आधार पर जनवरी 2023 में महंगाई भत्ता बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। श्रम मंत्रालय की तरफ से अगस्त के AICPI इंडेक्स के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। सितंबर 2022 के मुकाबले अक्टूबर के AICPI इंडेक्स के आंकड़े में 1.2 अंक का इजाफा हुआ है। अक्टूबर में ये बढ़कर 132.5 के स्तर पर पहुंच गया है, जबकि सितंबर में ये 131.3 फीसदी था। इससे पहले अगस्त में ये आंकड़ा 130.2 अंक था। जुलाई में इसमें लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके लगातार बढ़ने से 65 लाख कर्मचारियों का नए साल पर जनवरी में होने वाले डीए बढ़ने का रास्ता लगभग साफ है। इसके आधार पर कर्मचारियों के डीए में 4% की तेजी आना तय है। जुलाई का डीए 4% बढ़ने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38% हो गया था। अब इसमें फिर से 4% का इजाफा किए जाने के बाद ये बढ़कर 42% हो जाएगा। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा खासा इजाफा होगा। ये जनवरी 2023 से लागू होगा, लेकिन इसका ऐलान मार्च 2023 में होली के आसपास किया जाएगा। 4% के उछाल के साथ महंगाई भत्ता 42% पर पहुंच जाएगा। मिनिमम बेसिक सैलरी पर कुल 720 रुपए प्रति महीने का इजाफा होगा। वहीं अधिकतम सैलरी रेंज के लिए 2,276 रुपए प्रति महीना बढ़ेंगे। आपको बता दें, सरकार की तरफ से 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों का डीए साल में 2 बार बढ़ाया जाता है। जनवरी 2022 और जुलाई 2022 के डीए का ऐलान किया जा चुका है। अब जनवरी 2023 के डीए का ऐलान किया जाना है। जनवरी 2023 में होने वाला इजाफा दिसंबर तक आए आंकड़ों के हिसाब से होता है। मार्च 2023 में इसका ऐलान होली के आसपास होगा। फिलहाल 38% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। आपको बता दें, AICPI इंडेक्स के आधार पर ये तय किया जाता है कि महंगाई भत्ते में कितना इजाफा होगा। हर महीने के लास्ट वर्किंग डे को ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े श्रम मंत्रालय की तरफ से जारी किए जाते हैं। इस इंडेक्स को 88 केंद्रों और पूरे देश के लिए तैयार किया जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।